तो इतनी झूठी, मोदी ते भी झूठी तो यू 56 इंच का सीना बता करता वो कश्मीर वाली सीट सारी खाली पड़ी, तीनों लोकसभा जुड़े भी हिम्मत ना बनी इसकी बारम भरनी थी, इनकी बसाया जाना ये रिश्ते भी नहीं होने दिवा। हाँ, मराठा वीरेंद्र वर्मा ने मानो टक्कर दे रहे हैं, कितना के तो ये तो ये कई एक तरफा हो गई, तो 600 पार तो जब है जब इन मतलब कि कोई गांव में बड़े नंदा हो जब की गांव में कीमत हो 600 पार तो कोना करा बैठे कोई रुके मार ले। मोदी ने सारी चीज कंपनी दियो, वर्कर मरो, गांव वाले मरो, इंसान मरो, सब बेच दिया। राम राम भाई सारे ने, और सारे ने बेराग भाई, हरियाणा में लोकसभा चुनाव, हरियाणा में नहीं पूरे भारत में कहूंगा, लेकिन हरियाणा में के मामला है कि भाई 10 में से 8 सीट जो है उन पर लगा लो भाई वर्सेज का मामला, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर मामला त्रिकोणीय चल रहा है। उन 2 सीटों में कौन कौन सी मानी जा रही है, एक तो कुरुक्षेत्र और एक करनाल लोकसभा की, और करनाल लोकसभा की सीट त्रिकोणीय किसने बनाई है, सारा ने बेरा भाई मराठा वीरेंद्र वर्मा जब तक नाम आया है तब तक यहाँ पर मामला जो है त्रिकोणीय चल बैठा है। फिलहाल ये ताऊ बैठे हैं मेरे गले, सारे ताऊ जो हैं इनका साथ जिन्हें मिल गया क्या देख रहा है कि भाई जो बड़े अपने काके ताऊ जिस पर आदर देख रहा है ना तो जीते जाया रहा है, तो इन ताऊआ तो पूछेंगे अक भाई करनाल लोकसभा में किसका पलड़ा भारी चल रहा है, हर कौन की बार बाजी मार कर जाओगा। तो प्रेम नैनवाल जी बैठे हैं, पहले इनका बातचीत कर लें फिर और ताऊआ तभी करेंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम जी, पहले तो आपका धन्यवाद जी, आप इतना कीमती टाइम काट के हमारे लिए स्पेशल लाए, आपके बहुत बहुत आभारी है जी। रही बात आपने जो लोकसभा के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मराठा वर्मा साहब, एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही नरम और एक पढ़े लिखे, बहुत ही तजर्बेकार, बड़ा एक्सपीरियंस वाले आदमी, इनकी इतनी आवाज आज के टाइम में परमात्मा के दास है, ये लोकसभा में पहुंचेंगे और मोदी के बराबर में खड़े होकर अपने किसानों की आवाज उठाकर इनके सिपाही बनकर बोल लेंगे। पहले तो नू अजी वर्सेज का मामला चल रहा था लगभग हरियाणा की 10 सीटा में तो 8 सीटा में वर्सेज का मामला आके एक के विपक्ष में दूसरा विपक्ष में नजर है, लेकिन ये त्रिकोणीय मामला चल रहा है बीजेपी कांग्रेस और मराठा वीरेंद्र वर्मा, तो जब से नाम आया है सामने तभी से त्रिकोणीय मामला हो गया था जी। पहली बात तो त्रिकोणीय मुकाबला रहा ही नहीं जी। अच्छा। बीजेपी तो वैसे खत्म होगी सारे को, बीजेपी तो जिस दिन यहाँ लोकसभा के इलेक्शन की घोषणा करी थी उस दिन से डेली अब कटन लाग रही है। हाँ। बीजेपी के तो कोई गांव में कोई बढ़ने का ही नहीं, कोई ये रहा भी थी किसी वोट मांगने का हक नहीं रहा है, नहीं कहते गाँव में तो बैर तबैर सड़क पर सड़क जोर शोर करने लायक गए, गांव में बढ़ने गए नहीं, गए उन्होंने नहीं रहे कोई थारा कोई सत्कार कर लेगा तुमने कोई बुला, काम इतने बढ़िया कर रखे बीजेपी ने, लोग इतने सरेआम पिटवा रखे किसान आंदोलन में, 13 भी न सरेआम गोले पर पिटवाई न बैठ कर चमासा खरसाए न कुछ भी सुविधा नहीं दी, क्या है कि भी कदे इनकी मांग माननी नहीं, MSP पे इन पर खड़े हुए नहीं। रही बात अपना जितने गाँव के सरपंच हरियाणा के 36 बिरादरी के सरपंच बना है, कोई जाट नहीं बनता और कोई किसान नहीं बनते, 36 बिरादरी के सरपंच बन रहे, सारे सरपंच आगे इतना बढ़िया स्वागत कर रखा है, चंडीगढ़ बुलाकर बड़े मान सम्मान के साथ लठ मरवा रखे हैं, बड़े मान सम्मान के साथ स्वागत कर रखे लठा के लेन ने। रही बात जितने आंगनबाड़ी में जितनी बेचारी लेडीज हैं, इतनी सारी लेडीजा का स्वागत कर रखे, इतने बूढ़े डाल पिटवा रखे हैं सरेआम कति। नंबर 2 अपना जितने कर्मचारी हैं रोडवेज का ला ले, बिजली बोर्ड का ला ले, आज भी इतने तंग है इनते, और तो के मैं नु बताऊं आपने जो मारक भावी मुख्यमंत्री ना भावी तो के जो अपना मुख्यमंत्री था वर्तमान ये अपना मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी, आज जो मतलब इतना प्रोटोकॉल में चल रहा है अपने आप को मुख्यमंत्री समझ कर चल रहा है, जिस भी गांव में जाओ है पहले CID भेज के पुलिस भेज के वहाँ के जितने भी किसान हैं जितने भी इसके मतलब विरोध करने वाले उनको पहले अंदर ठुआ के थाने भिजवा है। नहीं फिर कारण के मानो चुनाव से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया गया। हाँ हाँ। और गठबंधन भी तोड़ा गया, इसका क्या कारण मानो था ये अपने उसको समझ गए भाई थारी हवा कम होगी, ये तो उस नायब साहब सैनी को तो मजबूरी मुख्यमंत्री बना भाई, इनकी सैनिया की वोट ले लो, अपना OBC की वोट ले लो, SC की वोट ले लो, इनको सरकार तोड़ने क्यों पड़ी, इन्हें बढ़िया काम करा के थे मान लो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बढ़िया काम करा के, तो इसको मुख्यमंत्री से हटाया क्यों, इतना बढ़िया संजय भाटिया था नंबर 2 पे पूरे इंडिया में नंबर 2 पे वोट आई थी इसकी, इतना उससे प्यार से बनाया था लोगों ने, तो आज इसको टिकट क्यों काटनी पड़ी इनको, तो बीजेपी का इतना बढ़िया कद था क्यों टिकट काटी को मुख्यमंत्री को उठाया, सिंह सीनी को मुख्यमंत्री बनाया न, और आज भी अल्पमत में सरकार इनकी, तो आज भी सरकार को खतरा है इनको, तो आज भी वो मत पेश करके दिखाओ विपक्ष ने इनको, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने गवर्नर को चिट्ठी लिख रखी है, दुष्यंत चौटाला ने चिट्ठी लिख रखी, चौधरी भूपेंद्र सिंह ने चिट्ठी लिख रखी वो मत पेश करने के, आज भी वो मत पेश नहीं कर सकते, आज भी अल्पमत में सरकार बैठी इनकी, तो अगर इनकी हवा बढ़िया तो इन्हें वोट मांगने क्यों जाओ, इन्हें बढ़िया काम कर रखी, तो गाँव में क्या तो नहीं आदर सरकार होता, क्या तो नहीं इनका मान सम्मान होता, गाँव में क्या तो नहीं इनकी इज्जत होती, क्या मत नहीं गाँव में इनकी पूछताछ होती, गाँव में क्यों विरोध कर रहे इनके बढ़िया काम तो कर रखे थे ना, कोई रोजगार के बारे में आप कह रहे हैं बीजेपी हम 400 पार हैं 400 पार
400 पार तो जब है जब इन मतलब कि कोई गांव में बड़े नंदा हो जब कि गांव में कोई मत हो 400 पार तो अपना घर बैठे कोई रुके मार ले घर की सरकार को आ रहा घर की भाई काका लिखनिया अपने मुंह तो कुछ बोल लो 400 भैया कोई कुछ भी लिखो सरकार आज ही नहीं है चुनाव वक्त है मोदी ने इतने काम कर रखे हैं अगर उन्होंने कहा नहीं मोदी ने कुछ नहीं कराया उन्हें चुनाव आयुक्त ने खरीद रखा मीडिया ने खरीद रखी ईडी ने खरीद रखी इन्हें बाहर विदेशिया था रजिस्ट्रेशन करके शपथ पत्री ने दे रखे अपना खाओ और कमाओ मोदी ने काम बहुत कर रखे हैं। अच्छा। हाँ हाँ मोदी ने कहे नहीं मोदी ने सारा देश बेच दिया जेल ना मोदी ने रेल बेच दी मोदी ने एयरपोर्ट बेच दिया मोदी ने जहाज बेच दिए मोदी ने BSNL बेच दिए मोदी ने अपने कंपनी बेच दी सेल या दूसरी एक बेल बेच दी जितनी कंपनी बेची है ना मोदी ने काम भी बढ़िया कर रखे हैं। अच्छा। इसी बात नहीं है मोदी ने है नहीं सारे तो अडानी अंबानी के घर भर दिए अडानी अंबानी को जितने कर्जे थे सारे माफ़ कर दिए अपने आदमियों के। नंबर दो मोदी ने है नहीं जितने विदेश भेज रखे थे उनको नंबर एक का शपथ पत्र दे दिया इन पर कोई आरोप नहीं है। नंबर दो इन्हें ईडी ने खरीद रखी मीडिया ने खरीद रखी अखबार वाली ने खरीद रखे चैनल ही ने खरीद रखे मोदी ने काम भी बढ़िया कर रखे हैं। ताऊ सारे अंगली पहले खिर है अंगली आप गिना लग रहा है सारी कमी इतनी कमी गिना दी ताऊ आपने तो कड़ा कमी गिना रखी मोदी ने काम करवा रखा है यार मोदी ने तो हरित कह दिया जितने मेरे गांव वासी लोकल भाइयों मेरी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना था जितने लोकल हमारे भाइयों जितने भी पूरे विदेश में इस सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ो ना इसको बेचने में दिक्कत आएगी मोदी ने तो यहाँ तक भी कह रखा है। और मोदी ने तो उन्होंने कह रखा भाई मैंने देश का इतना विकास कर दिया भाई 140 करोड़ जनसंख्या है पूरे भारत की 80 करोड़ जनसंख्या का तो मुफ्त में राशन देने ला रहा है आज भी डर नहीं लगता क्या आपने मोदी मैं तो आज अपने मारे गांव में आज मराठा लाग रहा है वीरेंद्र सिंह मराठा लोकसभा करनाल का प्रत्यक्ष ही है और मेरा आज गांव में जाना पड़ गया नोंदा देने के लिए अपने गांव वाले को इकट्ठा करने के लिए भाई गाल मैंने जा रहा था तो गाल में जाना जाना मैंने देखा कि एक लुगाई लड़न ला रही दो तीन आपस में गाँव में मैं और खड़े हो गया मैं क्या तो लड़े हुए तुम आपस में तो एक लड़ाई लड़ दी आपस में बोल पड़ी बोले तू भी बोले बोलन जोगी बोले के बात बोले तू तो इतनी झूठी मोदी ते भी झूठी तू तो वो लुगाई नू बोलन लाएगी बोले तू तो मोदी ते भी झूठी गांव में नू बोलन लाएगी लुगाई भी आपस में लो भाई ताऊ ने सारा भेद खोल दिया और ताऊ तो बात करने भी जरूरी है एक और ताऊ जी आराम राम ताऊ ने बड़े ताऊ ने कह दिया थे हम सब का पा लड़ ले मेरे भाई। अच्छा, आपकी के राय है फिर भी मैं तो आपकी राय जानना चाहता बड़ा सात साल ले लेंदे बहुत दूर चलो बेटा आप तो दो मिनट बात करूँ आपके कहना चाहते आप बताओ आपने कहा था जो एक राजा होगा कुछ नहीं कर सका संतरी होगा क्या करेगा इसके नेतृत्व में अंदर है नहीं इसके वोट बैंक नहीं था इसीलिए इसको खटर कटाया गया है। अच्छा फिर मराठा वीरेंद्र वर्मा ने मानो टक्कर दे रहे हैं आपकी बार कितना के तो ये पास ये तो ये कई एक तरफा हो गई तो 8 दिन बाकी रह रहे हैं 8 दिन में तो दोनों साफ करते। अच्छा ओनली मराठा। अच्छा ओनली मराठा बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी अंकल जी बोलो। अच्छा अच्छा कोई नहीं तभी करेंगे और ताऊ बैठे पहले इनता बातचीत कर रहे ताऊ राम 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 भाई किसकी हवा मान लो करनाल में कौन जीता मान लो वीरेंद्र मरा ठीक ठीक पोजीशन है। अच्छा और बीजेपी से सारे किसान नाराज हैं। हाँ। और बीजेपी की हवा इतनी बढ़िया नहीं है मुकाबला कांग्रेस का मराठी का है। अच्छा बीजेपी ने उंगलियां पर काम गिना हमने नौ कर दिया नौकरी दे दी इतना काम कर दिया किसानों का सरकारी कर्मचारियों की LTC काट दी ने और सरकारी कर्मचारी पेंशन बंद कर दिया MLA MP 10-10 पेंशन 8-8 पेंशन ले रहे हैं तो ये क्या सिद्धांत है कहता पेंशन बेल्ट की नौकरी पेंशन खत्म कर दी तो कहता ये MPLA MP भी पेंशन बंद करो। अच्छा फिर मराठा वीरेंद्र वर्मा की कौन सी खास बात लगी वीरेंद्र मराठा भाई पहले भी इलेक्शन लड़ा है और अब भी ठीक है वीरेंद्र मराठा रिटायर्ड अधिकारी है। अच्छा हाँ अच्छा क्या काम कर सके काम कर सके है। अच्छा बीजेपी ने तो इतने बढ़िया काम कर दिए बीजेपी ने तो मिलिट्री ठेके पे दे दी फौजी 4 साल के रख दिए वो बेचारे वो पढ़ लिख कर जब वो सर्विस करके आओगे ग्राहक है हुए तो इतने तो ब्याह भी नहीं होता इतने तो रिटायरमेंट हो लेंगे इतने तो उनका हाँ 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 इतने तो रिटायरमेंट हो लेंगे इतने बेचारे हुए ब्याह भी नहीं होता इतने रिटायरमेंट होकर जाएंगे दोनों बुजुर्ग ने बताया दिया आप तक खुल के जैन की बसाया जाना ये रिश्ते भी नहीं होने दे हाँ कर्मचारी वर्ग तो दुखी है आगा वाला चेहरा ना जो युवक है इनकी तो ऐसी सोच है जो कांग्रेस की इनकी बसाया जाना बीजेपी की ये बड़का के रिश्ते भी नहीं होने देवा। अच्छा। और भाई तो पूछ लियो कोरोना में टिक्के तेरे बड़ी हलवा रखे हैं लोग आगे जाके पूछो के क्या हाल बन लग रहा है उनका पहला वो सर्टिफिकेट होगा दोनों सा फोटो लग गया अगर दा मोदी का ये उनको फोटो भी अटक गया मोदी आज मतलब इतने बढ़िया टिक्के लाए कोरोना बीमारी में नहीं तेने इलाज कराया तो आज मोदी ने फोटो क्यों उठाना पड़ा पूरे देश में मोदी ने बढ़िया काम करा कोरोना बढ़िया इलाज करवाया तो फोटो क्यों उठाना पड़ा मोदी के मतलब डर में विदेश में क्यों जाओ लोग ये अगर इन्हें रोजगार दें दे नौकरी दें दे अपना कारोबार चला दे अपने युवक मजबूरी में जाके विदेश में जाके बैठे है तो इन्हें काम तो बढ़िया कर रखे क्यों जाओ विदेशा में बड़ा नौकरी की तो
सारी चीज है कंपनियां को दे दी। अच्छा। मोदी ने सारी चीज कंपनियां दी, वर्कर मरो, गांव वाले मरो, इंसान मरो, सब बेच दिया। कोई नौकरी नहीं, धक्के खानी पर पब्लिक है। मोदी ने कहा क्या इसको गुलामी दुआऊंगा, ये हरट चलाएंगे, अंग्रेज के टाइम में हरट चलाएंगे, जितने किसान है खूब पानी की जहाँ खून पीने को मिलेगा, क्रांति जैसे देश आजाद होता उस टाइम की बात है। ये तो ये हल कर देगा, ये तो उनका है, ये हल कर दूंगा। करनाल से ही मराठा ने जिताएंगे। मराठा और कांग्रेस का टक्कर है। अच्छा। मनोहर लाल तो तीसरा नंबर बता लिए। बड़ी बात कह रहे हो, दो बार तो सीएम रहे हैं, उन्हें टक्कर में ले रहे हो। सीएम दो बार रहते तो क्यों हटाते उन्हें, यदि ऐसी उसकी हवा होती तो क्यों हटाते, इसलिए हटाए हैं कि उनकी हवा बिल्कुल खत्म है। मतलब त्रिकोणीय नहीं है मामला वर्सेस का। हाँ, कांग्रेस और मराठा। अच्छा, चलो भाई और ताऊ बैठे हैं। ताऊ राम राम। राम राम भाई। ओका पी रहे हो? ओका पी रहे हैं। मैं मुझे तो एक चीज पूछूं, यू 56 इंच का सीना बता कर दा, वो कश्मीर वाली सीट सारी खाली पड़ी, तीनों लोकसभा जुड़े भी हिम्मत ना बनी इसकी, फार्म भरने की किसे पता भरवा दिंदा, कित गया 56 इंच सीना इसका है, तो बढ़ने का भी नहीं। ये हरियाणा में हम नहीं बढ़ने देने, तो सफ है ये के कारण मानो कश्मीर में कारण दे भाई साहब ने बता दिए हमारे ने, नौकरी वाला लठ मार दिए, पटवारी वाला लठ मार दिए, इंक्रीमेंट वो काट दी मारी, LTC ये सारा ही सौदा। लोकसभा में किस ना मान रहे हो, कौन आओगा भाई? मराठा आओगा हमारा, हम तो मराठा के ना इकट्ठे हो रहे। अच्छा। हाँ, लागे है टक्कर दे दे टक्कर के, बीजेपी तो खत्म हो ही रही है। हाँ भाई, किस गेल है? हाँ, का टक्कर है कौन है? एंटी बीजेपी की लहर है अब की बार। बीजेपी को 10 साल लोगों ने देख लिया, बीजेपी तक कोई वोट नहीं देगा, एंटी बीजेपी वोट जाएगी सभी। अच्छा, ऐसा क्यों? हरियाणा में बीजेपी हमने बिना पर्ची बिना खर्ची गरीब घर आके बालक नौकरी लगवाई। बीजेपी से हरेक वर्ग तक एम्प्लाइज है, किसान का जोत मार दिए, एम्प्लाइज का अलग अलग उस पर जोत मार दिए, तो इसलिए एंटी बीजेपी वोट जाएगी अब की बार। मराठा वीरेंद्र वर्मा ने क्यों कारण मान रहे हो, उनका के बात खास लगी? इन विकल्प इसी को मान रहे हैं, एंटी बीजेपी कोई भी आओ उसी के वोट देंगे अब ये। चलो इसका नहीं, फिर एंटी में तो फिर कांग्रेस भी है, कांग्रेस का दीवान से राजा क्यों नहीं मान रहे? ये इनका गठबंधन तो है, सेंटर में तो गठबंधन आएगा इनका। अच्छा, इनका गठबंधन एंटी बीजेपी जा रही है सभी जगह वोट, मतलब जो पहला बीजेपी लहर हो कर दी वो एंटी लहर हो रही है आपका कहना? एंटी बीजेपी लहर है, लोगों ने 10 साल बीजेपी देख ली, अब बीजेपी से लोग हर एक वर्ग तंग है, और कोई बीजेपी के वोट देगा तो एक बहुत समझ के देगा, सोच समझ कर। अच्छा। नहीं, लगभग खिलाफ है बीजेपी से। ठीक बात है, तो एंटी लहर है क्या कहना चाहोगे? एंटी लहर है बीजेपी, और कंपनी वगैरह तो बेच सके है, किसानों का कुछ भला नहीं कर रही। सिरसम है, 1 किलो की 8 क्विंटल कर रखी है, 1 किलो बची से वह भी वापिस कर दे, और तो काम कर रही है, फसल वगैरह ये नहीं बिक्री, किसान लोग बहुत ज्यादा तंग है। मान साहब से करो बात, आप तो किसान हो। अच्छा लगे ताऊ बोलना चाहो, आप तो किसान हो ताऊ, नुक भाई किसान ना की आय दोगुनी होगी तो के कुछ मामला है? या कर दी, एक यूरिया कट्टा 50 किलो का था, 5 किलो हार खा गए, तोल मर भाव बधा दिया, तोल भी खा गए, मोल भी बढ़ा गए, ये काम इनका, तोल में भी खा गए और मोल में भी खा गए, तो एंटी लहर है भाई मोदी। किसान का मतलब बीजेपी ने साथ है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, किसान तो बिल्कुल एंटी है जी। करनाल सीट पे किसने साथ दे रहे हैं भाई? बिल्कुल मोदी के लिए, मराठा के लिए है, और क्या करे? मराठा में की खास बात लागी हो बताओ? कोई खास ना हो, वैसे ले अपने मोदी रहना है, बीजेपी रहनी है। अच्छा। हाँ, मानो टक्कर में जीत के नजदीक मानो, जीतो ना, हम तो वोट देंगे भाई। हाँ जी, एंटी। ताऊ राम राम। राम राम भाई। के बात करते शांत बैठे भाई? हम तो मराठा के गेल हैं, और मराठा बड़ी आदमी है, और याद देख ली है बीजेपी, देख ली बरितली सारी, आम जमींदार मार के गिर दिए कतीश ने, कुछ भी नहीं छोड़ दिया। हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ दिया, हाँ जमा सब कुछ काट के गिर दिया करके। अब आम तो मराठा गेल है, मराठा जीतता है, मराठा के वोट दें सारे। दो बार का मुख्यमंत्री रहे हो है करनाल पे सीटा भी नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं कराया इन्हें, कुछ भी कराया वो नहीं करा काम, जमा कुछ नहीं कराया, जमा लोगों की बिल्कुल पेंशन दी हुआ काट दी, कार्ड से काट दिए, सब कुछ काट दिया, इनका पल्ला कुछ नहीं छोड़ दिया। हाँ, राम राम भाई। राम राम। ठीक सो? हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, जितने में तो मराठा है,
और इस बीजेपी ने तो किसान मजदूर जमाइसी भी डाल चेप दिया जो करे रोंडप की दुआई हुआ करे वह किसी दरखत पे या पौधे पर रोंडप मार दे तो वो बरेगी तो ईशा किसान और मजदूर का ईशा हल कर दिया। कद आने वाले टाइम में बनारसी दास गुप्ता ने भाषण दिया था मुख्यमंत्री हार का अग बोलिया रहा सेठो बोलिया के अग बोलिया के करो हो बोलिया बल्लभ कह बड़ा है बोलिया आठ अगर किसान मजदूर की जेब में पैसा है तो 8 के 16 आ जाएंगे और नहीं तो 8 के 4 रह जाएंगे। जब तक किसान मजदूर खुश नहीं है जब तक थारे पल्ले कुछ नहीं है। तो बीजेपी से किसान मजदूर तंग है इसीलिए हम अमर सिंह इसे मराठा को जिताने चाहते हैं और दूसरी नई सरकार लाना चाहते हैं। अच्छा भाई ताऊ दुखी चल रहे हैं एक और ताऊ जी हैं ओका पीण लाग रहे हैं और मुछ बढ़िया पिना रहे कहते ताऊ राम 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 भाई राजा इन मुछा का तो बढ़िया राजा भाई। बीजेपी ने कोई काम करा ना इसके एंटी वो है वीरेंद्र वर्मा जी ने यहाँ का करनाल का बहुत बढ़िया वो कांटे का मुकाबला बना दिया जी और जीतेगा जी ये और दिल्ली जाएगा। और बीजेपी ने जो किसान का बुरा हाल कर दिया लाठों से मारे बच्चियाँ थी हमारी प्लेयर उनको दिल्ली में जंतर मंतर पर देख रहे उनका क्या हाल कराया बिल्कुल इसके खिलाफ है इनको गाँवों में नहीं घुसने देंगे बीजेपी के तो और वीरेंद्र वर्मा जी यहाँ से काफी वोटों से जीतेंगे। कितनी वोट था मानो जीता 1.5 लाख कम से कम। अच्छा 1.5 लाख कम से कम हाँ बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हो टक्कर कनी कर दी है टक्कर वैसे कहो इसने मुकाबला बहुत बढ़िया बना दिया वर्मा जी ने फिर दो बार सीएम रहे हो प्रत्याशी का काम ही नहीं करे लांगड़ कटना खतरनाक रबड़ के मुँह ले फिर हाँ कोई काम नहीं करे जी कर्मचारियों का इन कर्मचारियों का हक में नहीं है प्लेयरों का हक में जो गुड़िया इन बक्सी ने अरे एक बहन चौद जिसने करा था उसके बच्चे को टिकट दे दिया ब्रज भूषण के का हरा रहेगा वो भी हाँ हाँ बिल्कुल हारेगा जी बता रहा हाँ वो है सारे ने भीतर भी करेंगे उधर निकल ना करे उन्हें बहन चौधरी कट्टर तो नू कह रहे हम ना तो हरियाणा भाई भी ना पर मैं जी कट्टर का तो गांव में दूत लगेंगे अब की बार वीरेंद्र वर्मा माजी अपने ऊपर जाएंगे अब की बार एक तरफ अपने लो भाई एक और ताऊ जी आप तो हो गई थी ये बात आप बता दो कि राय है किस चीज की बोलो किना जिताओ हो करनाल का वीरेंद्र वर्मा आज से 10 दिन पहले तिकोनिया मुकाबला था लेकिन फिलहाल कांग्रेस और वीरेंद्र वर्मा मतलब वर्सिज मामला हो गया है वर्सिज मामला हो गया पहले तिकोनिया था इब्तामने सामने वर्सिज मामला हो गया और ये कारण क्या है मोदी की झूठ। अच्छा। इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा हम भी 70 साल के हो गए ठीक है ना। अच्छा। कौन से हाँ क्या बोलेगा स्टेज पर चढ़ के बहनों और भाइयों तुमने वनस्पति का चावल खाया जनता की आवाज से पहले खुद ये बोल देगा बोला नहीं अपने आप ही बोल देगा नहीं है बोला हम खिलाएंगे वो खिला रखे देख सारा सिस्टम अडानी अमानी को भर दिया उसने। नहीं किसानों की तो नुकया था भाई किसानों की आय दुगनी हो गया आप तो किसान बैठे हो के मानो कितनी हुई है कितनी भी नहीं सब कुछ खो दिया। अगर हमारा सरसों 5 किलो एक्स्ट्रा हो जाता है वो भी पीछे बांध के लेके आना पड़ता है 5 किलो भी सरसों हमारा एक्स्ट्रा नहीं लेती गवर्नमेंट बोला इतना ही है भाई इसका तो मतलब ना खुश हो बिल्कुल काफी सारे नाखुश को देता हूँ बोल मैं कहना चाह रहा हूँ था मैं कल कुदरती है दिल्ली चलिया गया मुझे एक इमरजेंसी काम हो गया और मैं वहाँ विज्ञान भवन में बैठा था। अच्छा। विज्ञान भवन मैंने एक नई खुशखबरी सुनी है देश में एक नई खुशखबरी चालू हुई कल से नुके है बीजेपी जो एक बहुत बढ़िया पार्टी थी हिंदुओं के लिए एक भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू समाज के लिए काम करने के लिए आई थी वो बीजेपी ये पार्टी नहीं रही ये तो आदमी दोया की पार्टी रहेगी। अच्छा। हाँ बीजेपी पार्टी में तो बेचारे एक हिंदुआ की सेवा करना चाहते थे हिंदुआ का मतलब आपस में वो भला करना चाहते थे इनकी तो बस आई है इनकी तो मजबूरी होगी बीजेपी वाले की तो जो मोदी है यू प्रधानमंत्री अडानी अंबानी के दो आदमियों के हाथ में रह गया अडानी हाँ एक अडानी और एक अंबानी पूरे देश के मालिक इस सरकार को चलाने वाले और दो सरकार को चलाने वाले अमित शाह और भारत का नरेंद्र सिंह मोदी तो ये के चल रही बात बीजेपी वाले बेचारा की मजबूरी हो रही एक ये नौका वह है एक मोदी को तो आरएसएस ही हटाने की तैयारी कर ली है। अच्छा। जो मोदी की गारंटी है वो अमित शाह पूरी करेगा भी। अच्छा। मोदी अमित शाह की वोट मांगने लायक गया। अच्छा, अच्छा। और आरएसएस में बात चला दी अभी मोदी को तो हो लिया काम का पूरा अरे आगे प्रधानमंत्री बनाओगे अमित शाह ने बीजेपी वाले की मजबूरी हो रही बेचारे उनकी चल दी नहीं अमित शाह ने और मोदी ने मिलकर लाल अडवाणी का
सारा जितना मतलब मेहनत बीजेपी आड़ती लियाई थी सरकार को लियाई था उसको ख़त्म कर दिया इन है जसवंत को ही ना ख़त्म कर दिया, यशवंत को ही ना ख़त्म कर दिया, वसुंधरा को ही ना बिठाई दिया, शिवराज चौहान को इनको बिठाई दिया, डॉक्टर रमन को ना बिठाई दिया, राजनाथ को ही ना बेचारा खुडा लान ला दिया, इन्हें छोड़ दिया कौन है बीजेपी में? जो बीजेपी थी वह पार्टी नहीं रही बीजेपी तो, ये तो नौकरी आर एस एस वाली पार्टी रहेगी। जो बीजेपी पार्टी तो एक लोगों ने लाए थे भाई कांग्रेस के खिलाफ लाए थे और कुछ भला करेगी? बीजेपी पे तो मजबूरी, बीजेपी तो काम ही नहीं कर सकती, बीजेपी के तो हाथ में नहीं गए, ये तो यह गुजरातिया की पार्टी रहेगी। अडानी अंबानी तो अपना इसको चलाने वाले और देश को चलाना नहीं है अमित शाह मोदी। बिल्कुल भाई देख लो तवा की बात हमने सुनी है, अरे कितनी बात सहमत हो और तुम भी कमेंट में जरूर बता दियो अपनी राय। फिलहाल राम राम सारा।